नहीं, इसके इतने बड़े हैं कि घुटनों से ही मुंह ढक लिया। वाह, कल ही नहीं होता, वो छिपकल ही होता है। हेलो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। एंड अगर आप मुझे पहली बार देखते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना टू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम। सो गाइस, अभी ना बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है, मतलब सावन का महीना स्टार्ट तो हो चुका है जैसे कि आपको पता है, और सावन की आई थिंक ये पहली बारिश है जो कि हो रही है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले सो के उठी थी, मैंने देखा इतना प्यारा मौसम हो रहा था। ये देखो भाई, और वो मम्मी, ये देखो मम्मी बारिश के मज़े ले रही हैं। बहुत मज़ा आ रहा है, मेरा मन कर रहा है नहाने का, तो मुझे लग रहा है ठंड लगेगी। और आज है गाइज लवी का बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, थैंक यू बोल। ये गाइज इतना घुटने इसके इतने बड़े हैं कि घुटनों से ही मुंह ढक लिया। वाओ, हाँ तो गाइज आज इसका बर्थडे है, लवी का बर्थडे है, लवी मेरा भाई है। तो हम ना सोच रहे थे कि हम मंदिर वगैरह जाए, इस्कॉन चले जाए, बट अभी इतनी बारिश हो रही है, पता नहीं हम जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। मुझे इसके लिए कुछ लेकर भी आना था बाहर से, बट इतनी बारिश में मैं कैसे जाऊँगी। बाहर तो स्विमिंग पूल बन गया होगा अब तक बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला, तो आई डोंट थिंक सो जा पाएंगे। अगर शाम तक बारिश बंद हो गई तो हम सोच रहे हैं कि हम शाम को चले जाएं, या फिर हम घर में ही थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लेंगे छोटा सा, तो या देखते हैं। बाकी गाइस मैं आपसे अब थोड़ी देर बाद मिलूंगी, तब तक आप लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिसने कर रखा है थैंक यू, जिसने नहीं किया मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा तो प्लीज़ कर ले। गाइस इसके पीछे गुंडे पड़े हैं, इसीलिए ये इतनी तेज भाग रहा है। ये देखो, कुछ ना कुछ आफत तो और हम जा रहे हैं केक लेने। और आज खाना बनाने का भी कोई झंझट नहीं, क्योंकि हमने खाना भी आज बाहर से मंगवा लिया है, इशिका ने मंगाया, पता नहीं क्या क्या मंगाया, बट अभी मैं केक लेने जा रही हूँ, तो मैं केक लेकर आती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है, ओके बाय। ना अपनी चप्पल निकलवानी है लवी से स्टोर रूम में, और उस स्टोर रूम में ना छिपकल ही रहती है, इसलिए मैं उसमें कतई जाना पसंद नहीं करती। तो हमें मुझे लवी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि निकाले, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ढीठ है, उसे पता है मैं डरती हूँ, इसलिए वो काम नहीं करता मुझे किसाने के लिए। ये क्यों चला रहा है? डीजे चलाएगा? मम्मी ने कहा आ जा, नहीं चल रहा है, जल्दी आ, चप्पल निकाल दे मेरी उसमें से, मुंडी मत हिला, निकाल दे। मेरी चप्पल कहाँ है? तेरी अभी मैंने पहन रखी थी, मैंने वो रही हट जा। हाँ बोले था ना मैंने इधर आएगा, देख छुप कर ली है सामने, छुपकल ही नहीं होता, वो छिपकल ही होता है। बस मुझे इसी का डर रहता है, इसलिए मैं अपने चप्पल जूते इसमें रखना पसंद नहीं करती, लेकिन मम्मी है ना, ब्लैक वाली निकाल दे मेरी घर वाली आराम से। केक कटिंग कर लिया, एक केक लवी लाया था, एक केक ऋतिक लाया था, एक हम लाए थे, तो लवी के दो। तू बड़ा होके रिमोट वाली गाड़ी लवी, मुझे वॉच दिखा दे। गिरा मत दियो गाइस, इसकी वॉच फाइनली आ गई है,
जिसके लिए मारा जा रहा था पिछली वीडियो में। ये आवाज कैसे हो गई, मैंने कम कर दी थी तो। कहाँ है रिमोट? हट। हाँ तो ये रही गाइस, वो घड़ी से मिल गई है, कल बर्थडे था लेकिन ये वॉच ना भी आई है 10 बजे। और ये कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बड़े होके रिमोट वाली गाड़ी लूंगा। मतलब तू बड़े होके तू रिमोट वाली गाड़ी लेगा, असली गाड़ी नहीं लेगा ये, बड़े होके ये रिमोट वाली गाड़ी लेगा। बड़े चल कहीं मैं जाऊंगी तो मुझे दे दिख रही है पहले तो खुद ही कह रहा है, खुद ही कह रहे एक दिन की रखवाली परसों खुली मिलेगी। लवी लवी ये नहीं खुलनी चाहिए, देख सुन नहीं, जब सुन मैं कहीं जाए करूंगी तो मुझे दे दियो, खराब होएगी ना तो इसको देखूंगा अंदर से क्या है। दे देगा, पहले बता दे मेरे सवाल का जवाब दे दे। मेरे हाथ में पहनी हूँ, देखूँ कैसी लग रही है, तेरी कलाई के लिए नहीं आई है। सुन मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे दे दिख देगा, इसी का ले लो, लड़कियों वाली है ये भी, लड़कियों वाली है ये, पहन सकते हैं लड़कियाँ, ये यूनिसेक्स है। ऐसे लग रही है तो दो बोट फिल्म की सीन। तू भी अरविंद भाई की तरह ऐसे दिखा और फोटो खींच। मुझे दे देख रही है नहीं तो बहुत मारूंगी, इसे वापस दे दूंगी फिर। हाय गाइस गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे और मैं यहाँ पे जाग रही, कोई मुझे देख तो नहीं रहा। मैं एक वीडियो बनाने का ट्राई कर रही थी थोड़ी सी एस्थेटिक्स से, लेकिन मैं नाकामयाब हो गई। मुझे नहीं पता मेरी आवाज़ में क्या हो रहा है, मर्दों वाली हो रही है। अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, अब बारिश हो रही है और अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले सो कर उठी हूँ। अब मम्मी ने आज पूरा किचन बाहर निकाला हुआ है, आज मम्मी सफाई कर्मचारी बन रही हैं और पूरा किचन का सामान निकाल, पूरा तो नहीं थोड़ा बहुत लेकिन निकाला हुआ है। और अभी तो मैं जा रही हूँ अपने लिए शेक बनाने, और कल घर का थोड़ा सा सामान आया था तो मैंने मम्मी से मंगवाया था पीनट बटर, और इस बार मंगवाया था बड़ा वाला, क्योंकि जो छोटा वाला है ना लव्या ऋषि का चम्मच उसे खा जाते हैं, उसका तो पता भी नहीं चलता कहाँ गया। तो जियो रे बाहू, ये रहा गाइस, चलो यहाँ पे कहीं छिपकली तो नहीं हो जाएगी, मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी, सब सामान कहीं नहीं मिल सकती है। मुझे छिपकली अच्छी नहीं लगती, वो पिली पिली सी होती है, पार्टी करते हो तो हम कम से कम पिल पिले तो नहीं है, वो पिल पिली है। मामा के लिए लौंडिया ऐसे भी मैं बना रही हूँ बनाना शेक, और मैंने इसमें 2 बनानास डाले हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून। गाइस मुझे ना ये टेबल स्पून का सिस्टम समझ नहीं आता, कौन सी टेबल और कौन सी स्पून। चलो स्पून तो ठीक है, लेकिन टेबल पे रखी हुई स्पून या कौन सी वाली, आई डोंट नो। हाँ तो मैं बस इसमें 1 चम्मच ये डाल दूँगी पीनट बटर, और मुझे ना वो वाला जो बटर होता है दूसरा वाला वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे वो बहुत गंदा सा लगता है, इसलिए मैं ये चॉकलेट वाला ले लेती हूँ। और मैं इसमें शुगर नहीं डालूंगी, सिर्फ मैं अब इसमें दूध मिला के और इसको मिक्स कर दूंगी, और फिर ये मेरा बन जाएगा शेक। गाइस बहुत तेज बारिश हो रही है, मतलब बहुत ही ज्यादा तेज, और मेरा भी बहुत तेज नहाने का मन कर रहा है, बट मैं सोच रही हूँ कि मैं अभी नहाऊँगी तो फिर मैं गीली हो जाऊँगी और फिर मुझे चिप चिप हो जाएगा, फिर मुझे सच में नहाना पड़ेगा। अभी गाइस मैंने अपना ट्यूशन ख़त्म करा है, मतलब मेरा नहीं, बच्चे आते हैं पढ़ने तो उनका ट्यूशन ख़त्म किया है, बट बारिश हो रही है तो अब अपने घर जा नहीं पा रहे हैं, वो अंदर बैठे हैं। ये भैया काम के लिए पूछने के लिए आई थी कि इशिका का जो है बाहर मेकअप स्टूडियो तैयार हो रहा है, मेकअप का ऑब्वियसली मेकअप स्टूडियो तो मेकअप का ही होगा, तो मेकअप और नेल्स का स्टूडियो रेडी हो रहा है वहाँ पे, तो वो उसी के लिए पूछना आया था कि काम अभी रोक दे क्योंकि बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है तो इसलिए बारिश में तो नहीं हो पाएगा, तो वो वही पूछना है। और अभी मम्मी कचौड़ी बना रही है, वैसे तो आज प्लान था कि हम सैंडविच खाएंगे, लेकिन सैंडविच बनते बनते 1 बज गया लेकिन सैंडविच नहीं बने जो कि इशिका को बनाने थे, तो अभी मम्मी ने आलू तो सुबह ही उबाल दिए थे तो अभी वो कचौड़ी बना रही है, और मुझे कचौड़ी तो बहुत ज़्यादा पसंद है, पसंद भी मम्मी के हाथ की, मतलब मौसी के हाथ की भी अच्छी लगती है, तो मुझे कचौड़ी है ना वो फटी फटी ज़्यादा पसंद है।
ये मुझे पसंद है आपको पसंद है, जिसमें तेल घुस जाता है ना मुझे वो कचौड़ियाँ पसंद है जो फट जाती है, मतलब क्रंची सी हो जाती है। वैसे गाइस लवी के बर्थडे का केक बच जाएगा, तो इससे पहले कि ये समाप्त हो जाए लोगों द्वारा, तो इसको हम ही समाप्त कर लेते हैं। लवी तुझे खाना है? झूठा ऐसे रह जाता हूं हर बार बिना केक खाए, झूठा तो सब खा लेते हो भाई। बारिश में नहा रहा है सुबह से, अब कह रहा है लो लग रहा है मैं बीमार सा हो गया। मैंने कहा मम्मी से मत कह दियो मैं बीमार सा हो गया, तो बीमार होने के लिए पिटेगा कि कैसे हो गया बीमार। गाइस अब हम ना अब हम इसकी चोरी पकड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि अभी ये बाहर से आया, इसके पास घड़ी है, इसने बोला कि मैंने कितने स्टेप्स 1850 स्टेप्स मैंने चल लिया ये वो, तो मैंने पूछा कि 1850 स्टेप्स तूने कहाँ चल लिए, इसका मतलब कि तू कहीं गया है। मेरा डिटेक्टिव माइंड जो है वो ऐसे एक्टिवेट हो गया, और फिर मैंने उससे पूछा कि तू कहाँ गया है, फिर मैंने देखा उसमें था 1 किलोमीटर ये चला है, कहाँ चला है तू 1 किलो, मम्मी कहीं गया था 1 किलोमीटर दूर नीचे गया था आ गया वापस। जान को आफत नहीं कही थी, अब आप इससे पकड़ सकती हो इसे कि कितनी दूर गया था, इसका मतलब ये कहीं बाहर गया था। हाँ तो हो क्या आ गया, कितना टाइम लगता है? तो बंद नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते बंद। गाइज आज मेरा ना नहाने का मन नहीं था, इसलिए आज मैं नहीं नहाई, क्योंकि ना पानी ना ठंडा होता है। तू तो डेली नहाता है जैसे कि है ना। गाइज मैं ना डेली नहीं नहाती, मतलब नहाती हूँ डेली, लेकिन आज नहीं नहाई क्योंकि ना मेरा ना मन नहीं कर रहा, यानी मुझे बहुत ऐसे चिल्स लग रहा था ठंडा पानी। और अभी देखो सामान देखो कितना फैला हुआ है, ₹7 घर का भी सारा सामान आया था तो वो भी साथ लगाया, और अभी बन रहे हैं बर्गर। इसकी बात मैंने आपको सुबह बताई थी कि बर्गर बनने वाला है, वो बर्गर अभी बन रहे हैं अभी। उसके बाद ये सारी साफ सफाई करनी है। थोड़ा यहाँ देना।